जब आप एक पिल्ले को घर ले आते हैं तो शुरू में वे काफी शांत होते हैं, मगर कुछ वक्त के बाद वे आफत बन जाते हैं। पर घबराए नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पिल्लों का काटना बहुत ही आम बात है, तो ये आदत बदलने के लिए आप कुछ तरीके आजमा सकते हैं। पिल्ले बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह अपने आसपास की दुनिया को खोज रहे होते हैं और ये करने के लिए वे अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जरूरी है कि उनका ध्यान किसी और चीज की ओर ले जाए, जैसे कि खिलौने। इसके लिए आपको चाहिए होंगे अलग अलग बनावट के खिलौने, डॉग ट्रीट्स, उनके साथ खेलने का समय और थोड़ा धैर्य। अगर आपको लगता है कि उनका काटना रातों रात बंद हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे बदलने में हफ्ते लग सकते हैं। सबसे पहले आप अपने पपी के आसपास की चीजों पर नियंत्रण रखें। ये करने के लिए आप एक लंबे पट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप अपने पपी को उन चीजों को चबाने से रोक सकते हैं जो उन्हें नहीं चबाना चाहिए। अगर आपका पपी आपके हाथ, पैर, कपड़े, जूते या कोई भी ऐसी चीज चबा रहा है तो उसे रोकने के लिए आप ये कर सकते हैं। एक, उनका ध्यान खिलौनों की तरफ लेके जाइए। अगर आपका पिल्ला बहुत खेलना चाहता है और बहुत उछलता है तो आप उसका खिलौना उठाए और उसके सामने जमीन पे खींचे ताकि उसका ध्यान खिलौने पे चला जाए। अगर एक खिलौने से काम नहीं चल रहा तो दूसरा खिलौना लीजिए, उसे एक नहीं तो दूसरा पसंद आ सकता है। दो, आप डॉग ट्रीट्स के माध्यम से उनको ट्रेन कर सकते हैं। ये करने से आप उनके साथ एक अच्छा रिश्ता भी बना सकते हैं और उन्हें वो चीजें करने से रोक सकते हैं जो आप नहीं चाहते। उन्हें चबाने से रोकने के लिए ट्रीट को उनके सामने रखें और धीरे से दूसरी ओर ले जाएं ताकि उसका ध्यान ट्रीट्स पर जाए। अगर पहली बार में ये काम न करे तो इसे करते रहे। जब वो ट्रीट की ओर बढ़े तब उन्हें यस ऐसे कह के प्रोत्साहित करें। ट्रीट का ही इस्तेमाल करके आप उन्हें बैठना और अन्य ऐसी चीजें सिखा सकते हैं। तीन, अगर वो बहुत उत्तेजित हो जाए तो उनको थोड़ा शांत होने का समय दें। अगर वो किसी चीज में रुचि नहीं दिखाते तो आप उन्हें उनके रूम या प्लेपेन में कुछ टाइम अकेला छोड़ दें। उस दौरान आप उन्हें चबाने के लिए कोई और चीज दे सकते हैं। एक बार वो शांत हो जाए तो आप उन्हें दोबारा बाहर लाकर खिलाने या ट्रेन करने की कोशिश कर सकते हैं। इस समय को कभी भी सजा के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसे खुद के लिए थोड़ा समय देना भी जरूरी है। अब ये आप पे है कि इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन उनके लिए सबसे उचित है। ये ट्रेनिंग जारी रखिए और धीरे धीरे आपको बदलाव दिखेगा। उनकी प्रगति का अंदाजा आप लगा सकते हैं जब वे चीजें चबाने के बदले उन्हें चाटना शुरू कर दे। ये करते हुए आपको लग सकता है कि कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा, पर फिर भी इसे करते रहे। आपको ना सिर्फ बदलाव दिखेगा बल्कि पपी के साथ आपका रिश्ता भी मजबूत बन जाएगा। शर्मीली जैसे और पपीज को आपकी जरूरत है। बहुत सारे पपीज को इंडिया में घर मिल चुका है, पर अभी भी कई ऐसे हैं जिन्हें यहाँ घर न मिलने के कारण विदेश भेजना पड़ रहा है। इसके लिए काफी पैसों की जरूरत होगी। अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे जाएं।